श्री गगजीभाई जी सुतरिया प्राथमिक शाला, कक्षा 7, विषय हिंदी, पाठ 3, सच्चा हीरा। इस पाठ का साहित्य प्रकार है कहानी। तो विद्यार्थी मित्र, आज हम स्वापोथी में लेखन कार्य करेंगे, तो आप अपनी स्वापोथी और कलम साथ में लेकर बैठिए। आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में उसका क्रमाक्षर लिखिए। पहला विकल्प, तीसरी औरत ने कहा मेरे बेटे के कंठ में खाली जिज्ञा का निवास है, तो उसका जवाब आप देख सकते हैं ए सरस्वती, बी कोयल, सी मैना, डी चेतक। तो उसका जवाब क्या है? ए सरस्वती। विकल्प नंबर 2, देखती क्या हूँ, ये युक्ति कौन बोलती है? ए पहली स्त्री, बी दूसरी स्त्री, सी तीसरी स्त्री, डी वृद्ध स्त्री। तो उसका जवाब है डी वृद्ध स्त्री। विकल्प नंबर 3, सच्चा हीरा कहानी में ज्ञान के साथ साथ किसको महत्व दिया गया है? ए धर्म, बी ज्ञान, सी कर्म, डी फर्ज। उसका उत्तर है सी कर्म। विकल्प नंबर 4, चौथी स्त्री ने कहा बहन यही मेरा काल है, तो लाडला, लाल, हीरा और बेटा। तो उसका उत्तर है बी लाल। विकल्प नंबर 4, कितनी स्त्रियां कुएं की जगत पर बैठकर बातें करने लगी? ए 4, बी 3, सी 2, डी 5। उसका उत्तर है ए 4। प्रश्न नंबर 2, सही विकल्प चुनकर विधान पूर्ति कीजिए। पहला, चारों स्त्रियों कुएं की पक्की जगत पर बैठकर बातें करने लगी, तो उसका उत्तर है बी बैठकर बातें करने लगी। दूसरा देखिए, पहली स्त्री का बेटा अच्छा गायक था, तो उसका उत्तर अ अच्छा गायक था। तीसरा देखिए, चौथी स्त्री का बेटा बेकार था, कामचोर था, मातृप्रेमी था कि घमंडी था, तो उसका उत्तर क है मातृप्रेमी था। तो आप प्रश्न नंबर 1-2 अपने स्वापोथी में लिख लिए। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वृद्ध बोली यही सच्चा हीरा है। उसका कंठ बहुत मधुर है, वह अच्छा गाता है। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड की ओर जा रहे हैं। तो पहली खाली जगह में बृहस्पति, दूसरी खाली जगह में सच्चा हीरा, तीसरी में कंठ, चौथी खाली जगह में चहचहाते हुए। तो आप ये चारे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला, गांव की स्त्रियां कहाँ चल पड़ी? उसका उत्तर है गांव की स्त्रियां पानी लेने के लिए कुएं की ओर चल पड़ी। दूसरा, स्त्रियों की बातें किसके बारे में चली? तो उसका उत्तर है स्त्रियों की बातें अपने अपने बेटों के बारे में चली। तीसरा सवाल, पहली स्त्री के बेटे की क्या विशेषता थी? पहली स्त्री के बेटे का कंठ मधुर था। चारों स्त्रियां कहाँ बैठकर बातें करने लगी? कि चारों स्त्रियां कुएं की पक्की जगत पर बैठकर बातें करने लगी। अब हम प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, सविस्तार इसका उत्तर लिखना है। पहला, पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की? तो कि पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे, मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है, उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है और लोग भी बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 5 के दूसरा सवाल, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा? तो अब हम उत्तर देखेंगे। तो क्या तीसरी स्त्री ने अपने पुत्र की विशेषता बताते हुए कहा मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है, यानी गुरु के देव, वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है, मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। तीसरा सवाल, सच्चा हीरा कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सच्चा हीरा कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने ज्ञान को अपने आचरण में उतारना चाहिए। हर एक संतान का कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता एवं बुजुर्गों के प्रति आदर भाव रखे और अपने घर के काम में माता पिता को मदद करें। हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। प्र
प्रश्न नंबर 5 उसका चौथा सवाल, चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था, क्यों? अब हम उसका उत्तर देखेंगे। तो कि चौथी स्त्री का बेटा अपनी माँ को देखकर रुक गया और अपनी माँ से बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ। माँ ने मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी का घड़ा उतार कर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल दिया। उस स्त्री ने बेटे में शिष्टता, जिम्मेदारी और बड़ों के प्रति सम्मान की भावना थी, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था। अब हम प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित मुहावरा के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला मुहावरा, सच्चा हीरा होना यानी अच्छा आदमी होना। अब हम वाक्य देखेंगे, चौथी औरत का लड़का सच्चा हीरा था। दूसरा मुहावरा, प्रशंसा करना यानी तारीफ करना, हम गुजराती में क्या कहते हैं, वखाण करो, बराबर। तो वाक्य देखेंगे, सभी लोग अमित की प्रशंसा करते हैं। तीसरा मुहावरा, इधर उधर की बातें करना यानी गप्पे लगाना, मनोज को इधर उधर की बातें करने की आदत है या करने की आदत है। चौथा, पछाड़ देना यानी हराना, गिराना, वाक्य देखेंगे, भारत ने श्रीलंका को क्रिकेट के मैच में पछाड़ दिया। तो अब मेरे साथ स्वापोथी में लिखते रहिए। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों के विलोम यानी विरोधार्थी शब्द लिखिए। पहला, अपना अपनी यानी पराई, बहादुर यानी डरपोक, सरल यानी कठिन, पक्की यानी कच्ची, अस्त यानी उदय, पास यानी दूर, मधुर यानी कटु, प्रशंसा यानी निंदा, सीधा यानी टेढ़ा, बड़ी यानी छोटी। अब हम प्रश्न नंबर 8 करेंगे, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। पहला, जिसमें बहुत शक्ति हो, तो शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या बनता है, शक्तिशाली। दूसरा, देवों के गुरु यानी बृहस्पति। तीसरा, बहुत ही अच्छा आदमी यानी हीरा। प्यारा पुत्र यानी लाडला। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित वाक्यों का काल पहचानिए। पहला, पिताजी के जूते खो गए, भूतकाल। दूसरा, मैं दादाजी के साथ मंदिर जाता हूँ, वर्तमान काल। तीसरा, माली पौधों को पानी पिलाएगा, भविष्य काल। चौथा, हरी रहीम से बात कर रहा था, वर्तमान काल। मैं किताबें खरीदूंगी, भविष्यकाल। मैं पावागढ़ जाता हूँ, वर्तमान काल। अब हम प्रश्न नंबर 10 करेंगे, निम्नलिखित विधानों में से सही विधान के सामने और गलत विधान के सामने ऐसी निशानी कीजिए। पहला, वृद्ध महिला ने चौथी स्त्री के बेटे की निंदा की, तो ये वाक्य गलत है। दूसरा, तीसरी स्त्री का बेटा सरस्वती का अवतार था, तो वो भी गलत है। चौथी स्त्री का बेटा सच्चा हीरा था, वो विधान सही है। चौथा वाक्य हम देखेंगे, पहली स्त्री के बेटे का गीत लोग बड़े चाव से सुनते थे, तो ये वाक्य सही है। अब हम प्रश्न नंबर 11 यानी अंतिम सवाल, निम्नलिखित युक्ति कौन किसे कहता है, यह लिखिए। सुनो मेरा हीरा गा रहा है, तो यह युक्ति पहली स्त्री तीनों स्त्रियों से कहती है। दूसरा वाक्य, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ, यह युक्ति या यह विधान चौथी स्त्री का बेटा अपनी माँ से कहता है। तीसरा, वही सच्चा हीरा है, यह युक्ति वृद्ध महिला तीनों औरतों से कहती है। चौथा, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है, यह युक्ति दूसरी स्त्री अपने साथ की स्त्रियों से कहती है। विद्यार्थी मित्रों, आपको प्रश्न नंबर 1 से 11 तक अपनी स्वापोथी में लिखना है और होमवर्क में भी मैंने यही दिया है कि आप स्वापोथी में पाठ 3 पूर्ण
कीजिए और स्वापोथी में लिख डालिए।